हेलो दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों का दो मुँह होना, बालों का रुखापन और बालों की साज संभाल। बालों के बारे में, कोई भी बाल शुरू करने से पहले थोड़ा सा बालों के बारे में हम अनाटॉमी उनकी डिस्कस कर लें कि बाल होता क्या है। जैसे मेरे सामने ये पिक्चर है कि बाल हमारे सिर की जड़ में होता है, उसके साथ ये सेबेशियस ग्लैंड होता है जो बालों को ऑयल प्रदान करता है, जिससे बाल ऑयली रहते हैं। नीचे ब्लड वेसल वगैरह होती हैं जहाँ से बालों की जड़ को खुराक मिलती है। जब ये खुराक कम मिलती है, जब ये खुराक प्रॉपर नहीं होती, तो बाल गिरने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, बाल रुखे होने लगते हैं, बेजान होने लगते हैं, क्योंकि बालों की टिप के ऊपर न्यूट्रिशन अपने आप नहीं पहुंचता, क्योंकि बेजान होते हैं नीचे से बाल। ऊपर से क्यूटिकल होती है, उनके ऊपर नेचुरल ऑयल होता है जो सेबेशियस ग्लैंड हमारे ये प्रोड्यूस करते हैं। जब हम एक्सेसिव शैम्पूइंग करते हैं या एक्सेसिव धूप में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहने से तो इनफैक्ट हमारे सिर का जो मेलानिन पिगमेंट है जो बालों को काला करता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा देर धूप में खड़े रहें तो। धूप में आपने मुहावरा सुना होगा कि धूप में बाल सफ़ेद करना, धूप में बाल पकने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें हम ध्यान रखें कि ज़्यादा एक्सेसिव धूप में, एक्सेसिव गर्म पानी से ना नहाएं। गर्म पानी से नहाने से जो ऑयल है वो जल्दी वॉश आउट होके नीचे चला जाता है, ठंडे पानी में ये कम जाता है। ड्राई हो जाते हैं बाल, अगर बाल आपके ड्राई हैं तो वो बेजान भी होने शुरू हो जाएंगे, ऊपर से उनकी क्यूटिकल जो है उनके ऊपर जो ऑयली लेवल होता है वो निकल जाएगा। इसीलिए हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ ऑयलिंग बहुत करती थी बालों की। आजकल रिवाज नहीं है ऑयल करने का रिवाज, बट ये बाल झड़ने और बाल के रूखापन, दो मुआपन, इन सब को ऑयल को अगर हम ऑयलिंग करते हैं बालों की तो इन दोनों तीनों प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, क्योंकि ऑयल करने से बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर निकल चढ़ जाती है ऑयल की, वो बालों को बचा के रखती है। आप अगर नहीं लगाना चाहते तो आप नहाने के 2-3 घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। उससे क्या है कि ब्लड आपके हेड की मसाज होने से स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बालों को न्यूट्रिशन और ज़्यादा आने लगता है, उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं। और आम तौर पे बालों का एक साइकिल होता है, 3 फेजेस होते हैं बालों के। जैसे मैं आपको दिखा पाऊँ तो कि फर्स्ट फेज़ होता है एनाजन फेज़, ये ग्रोथ का फेज़ होता है। उसके बाद आता है कैटाजन फेज़ जो थोड़ा थोड़ा बालों की मेंटेनेंस फेज़ है, और टीलो फेज़ में बाल झड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं, फिर के दोबारा फिर एनाजन फेज़ होने पे फिर ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये नेचुरल साइकिल है। अगर इनमें से कोई भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाए फिर बाल झड़ने लगते हैं या ग्रो नहीं करते। कई बार पेशेंट मेरे को पास आते हैं कि मेरे बाल ग्रो ही नहीं कर रहे, लंबे ही नहीं हो रहे, तो उनके कैटाजन फेज़ में या एनाजन फेज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है या वो डिले हो गया है। नॉर्मल हेयर लॉस का पैटर्न ये वाला है, ठीक है, ये टिपिकल मेल पैटर्न है। फीमेल में भी हेयर लॉस होता है इस टाइप से। मेल में हेयर लॉस होने का ये एक और बड़ा कारण है कि DHT डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर है, उनके टूट के बनता है, वो बालों को अगर एक्सेसिव बाल आपके सेंसिटिव हो गए सिर के तो वो बाल पतले भी होने शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर भी होने शुरू हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे। उनको ब्लॉक करने के लिए हमें फिर मेडिसिन खानी पड़ती है। मेडिसिन सिर पे मिनोक्सीडिल है, मिनोक्सीडिल रिएक्शन है,
वो हमें लगाना पड़ता है सिर पे, और मेडिसिन खाने के लिए डाईहाइड्रोक्सी DHT ब्लॉकर हमें फिनस्ट्राइड वगैरह वो 1 मिलीग्राम से लेके 5 मिलीग्राम तक हम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेक्स ऑफ द पेशेंट। लेडीज़ में ज़्यादा डोज दे सकते हैं हम, जेंट्स में कम डोज देते हैं। सो, उसके अलावा आप PRP करवा सकते हैं। PRP जैसे आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत सालों से बरसों से यूज़ हो रही है, जहाँ भी हीलिंग नहीं होती वहाँ हम आपके ब्लड से ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के आपके बॉडी में लगा देते हैं, तो वहाँ से तुरंत फाइब्रोनोजन और जितने इन्फ्लामेशन के प्रिकर्सर्स हैं वहाँ उनको स्टिमुलेट करके वहाँ पर न्यू रिपेयर सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल मीडिएटर होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो जैसे ही वहाँ पर बॉडी को सिग्नल पहुँचता है कि यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हुई है या यहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, तो तुरंत बॉडी उसी टाइप के केमिकल RBCs, ब्लड वेसल्स, हार्मोन सारे वहाँ पर भेजना शुरू कर देती है सप्लाई को, तो वहाँ पर रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बालों की जड़ में जरा सी भी जान है तो सारे के सारे बाल, अगर बाल ऊपर से झड़ भी गए हैं, सारे के सारे बाल ग्रो करना शुरू कर देंगे। अगर आपके बालों में लस्टर नहीं है, चमक नहीं है, तो चमक आनी शुरू हो जाएगी। बेजान रूखे बालों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। दो मुँहें बाल है उनमें भी चमक आनी शुरू हो जाएगी। बालों की ओवरऑल क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, बाल मोटे हो जाएंगे। जो आपकी पोन थिकनेस अगर आपकी कम है बालों की, तो वो उतने मोटे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो चोटी है सिर की, वो अगर आपकी बारीक है तो वो बाद में धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो जाती है, तो थिक बाल हो जाते हैं, हैवी बाल हो जाते हैं। सो PRP की फ्यू सिटिंग से ही ये मैजिक हो जाता है। और PRP बहुत सस्ता, सुंदर और सुलभ उपाय है बालों को बचाने का। अदरवाइज़ हेयर ट्रांसप्लांट में तो काफ़ी भयंकर खर्चा आने वाला है। मेडिसिन, जितनी मेडिसिन आप खाओगे तो 6-6 महीने साल साल आपको खानी पड़ेंगी, तब जाके कोई रिजल्ट आएगा। कम से कम 3 महीने तो खानी ही पड़ेगी। बट PRP एक ऐसा सिस्टम आया है कि PRP का एक सेशन लगवाते ही आपको खुद फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तब एक सेशन के बाद हमारे पास दोबारा हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट दूसरे तीसरे सेशन के लिए अपने आप आ जाते हैं कि सर हमें तो बहुत फ़ायदा हो गया, आप हमारा प्लीज़ दूसरा सेशन कर दो, तीसरा कर दो, चौथा कर दो। 3-4 सेशन के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती फर्दर सेशन की करवाने की। सो PRP आप करवाएँ, PRP देखें, और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको ये फ़ायदा देता है। सो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप अच्छे किसी क्लिनिक में जाएं, वहाँ पर बात करें, ताकि आपका सिस्टम वो दवाई भी दे सके, लगाने की दवाई भी दे सके, आपको गाइड कर सके कि कौन सा आपने शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा आपने तेल यूज़ करना है। बालों के पे तेल भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। सो, मेडिसिन आती है खाने के लिए, लगाने के लिए। सो, PRP है, तो अगर आप को बालों की काफ़ी समस्या है कि गुच्छे की गुच्छे ही आ रहे हैं, तो ज़रूर आप विज़िट करें, एक सेशन PRP का लेके देखें, आपके बालों में नई जान आ जाएगी। और आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रोटीन चाहिए होता है बालों के लिए, क्योंकि क्यूटिकल प्रोटीन की ही बनी होती है। जिनके भी बाल रूखे हैं, बेजान हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, वाइटमिन लें, B12, फैट सोलबल वाइटमिन, वाइटमिन ई है, ए है, ADEK, सो ये सारे वाइटमिन हैं। बैलेंस डाइट लें, एग लगा सकते हैं अगर आप लगा पाएँ। सो, वो कंडीशनर का काम करता है, नहीं तो चाय की पत्ती को उबाल के वो लगा सकते हैं, वो दैट्स ए गुड कंडीशनर। हल्का कंडीशनर बाज़ार से भी लेके आप लगा सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बहुत हेल्प करेगा रिपेयर में आपके बालों की। इसी ये सारे उपाय हैं जिनसे आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। सो, अगर आपको कोई आपके मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सो, उससे क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। नीचे कमेंट में आप ज़रूर पूछें। अगर मेरा चैनल आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र सेंटर, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब से मैं बात कर रहा हूँ।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256-93566। थैंक यू।